ओम शांति। बाबा हमें संपूर्ण प्योर बनाने आए हैं। जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, जब अपवित्रता तनिक भी नहीं रहेगी, तब हम घर वापस जाएंगे। अपवित्रता समाप्त होना माना कर्म इंद्रियों का शीतल होना। संपूर्ण पवित्र स्थिति अर्थात आत्मिक भाव हो जाना। वृत्ति में ये समा जाए कि सब आत्माएं हैं। मन बुद्धि से नैनों से क्रिमिनलिटी समाप्त हो जाए और हम अपने सही स्वमान में स्थित होकर महान संकल्पों में रमन करते रहें। ऐसी पवित्रता के वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस प्रकृति के लिए वरदान होते हैं। तो आइए हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग करने के लिए अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता की धारणा करें। विकारों के मार्ग पर चलकर तो हजारों साल से हमने देख लिया, वो क्षणिक सुख आत्मा को पतन की राह पर ले आया। वो क्षणिक सुख सदा के लिए दुखों के द्वार खोल गया। इससे देहभान बढ़ता गया, दैहिक दृष्टि बढ़ती गई, संसार में पाप बढ़ता गया, समस्याएं विकराल रूप लेती गई। अब हम पवित्र बनकर इस दुख में संसार को पुनः सुख में बनाएंगे। स्वयं भगवान की आज्ञा है, पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र बनो। तो हजारों साल से पवित्र रहे, अब एक जन्म हमें पवित्रता का सुख लेना है और जन्म जन्म की पवित्रता को नष्ट कर देना है। अपने से दृढ़ संकल्प करें। जिन राहों पर संसार चल रहा है, हमें उन राहों पर नहीं चलना है। हमें अपनी राहें बदल देनी है। पवित्रता का मार्ग हमने अपना लिया है, अब इसे संपन्न करना है। एक बार किस राह पर हम चल पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे जब तक मंजिल न मिल जाए। तो हम सभी अपनी पवित्रता को नेचुरल और एक बल बनाने के लिए योग अभ्यास बहुत बढ़ाएं। बिना योग बल के किसी में भी संपूर्ण पवित्रता आ नहीं सकती। केवल दृढ़ता रखने से हमारी कर्मेंद्रियां तो शीतल नहीं हो जाएंगी ना। इसलिए दृढ़ता के साथ, प्रतिज्ञा के साथ हम देही अभिमानी बनने की साधना करें। आत्मिक दृष्टि रखने की साधना करें। देहों को भूलते जाएं, देखते हुए भी न देखने की साधना करें। पवित्रता तो हमारा नेचुरल संस्कार है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दो युग तक हम संपूर्ण पवित्र रहे थे, इसलिए हमें पवित्र बनना कठिन नहीं होगा। देही अभिमानी आत्माएं ही बहुत ज्यादा सेवा कर पाएंगी, ये भगवान वाच है। सेवाओं में सफलता का आधार भी हमारी सोल कॉन्शियसनेस ही है, हमारी स्वमान की स्थिति है, हमारी आत्मिक दृष्टि है। तो हम धुन लगा दें इन तीनों चीजों पर। मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर हूँ, इस देह से न्यारी हूँ और सभी शरीरों में अलग अलग चमकती हुई मणियां हैं। और मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विजय रतन हूँ, माया पर मेरी विजय निश्चित है। ये हम धुन लगाएंगे और अभ्यास करते जाएंगे अब तीव्र गति से, कि किसी को भी देह देखकर हमारे मन में बुरे विचार न चलें। देह ही तो सुंदर है, आत्मा तो सबकी पतित है। हमें आत्मा को सुंदर बनाने में सबको मदद करना है और सबको पवित्र वाइब्रेशंस देकर उन्हें उनकी मूल स्थिति तक ले जाना है, मुक्ति का वरदान देना है। तो आज सारा दिन
पांच स्वरूपों का अभ्यास बहुत करेंगे, हर घंटे में एक बार अवश्य, विद गुड फीलिंग कि मैं आत्मा हूं तो परम पवित्र, देव स्वरूप में थी तो परम पवित्र, मेरा पूज्य स्वरूप है तो परम पवित्र, अब मैं ब्राह्मण हूँ तो परम पवित्र, और मुझे परम पवित्र फरिश्ता बनना है, इसकी प्रैक्टिस पुनः पुनः करेंगे। ओम शांति।